और वहीं सीएम नीतीश कुमार इन दिनों एक्शन मोड में है। आज फिर से सीएम सचिवालय पहुंचे, जहां पर कर्मचारियों और अधिकारियों के आने और यहां पर काम की जो समीक्षा है वो करने के लिए वहां पहुंचे और कर भी रहे। मुख्यमंत्री पैदल ही बिना गाड़ी के सचिवालय पहुंच गए। बीती रात पटना में तेज आंधी के कारण मुख्यमंत्री हाउस और सचिवालय के बीच कई पेड़ भी गिरे हुए थे, जिसके कारण उनको पैदल ही जाना पड़ा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री पैदल ही अपने सचिवालय पहुंचे, पटना सचिवालय पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने कामकाज की समीक्षा की और अन्य चीजों का भी निरीक्षण किया। लंबे समय से हम ऐसे देख भी रहे हैं, पिछले महीने से ही लगातार मुख्यमंत्री जो है बहुत एक्टिव है और तमाम जहां पर कार्यालयों में जाकर समीक्षा करते हैं कर्मचारियों के समय पर आने की, वहां पर उनको बात भी कहते हैं, उनको निर्देश भी दिए जाते हैं और उसके बाद ये तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। और खबर आपको एक और पटना से देंगे। यहां पर बीती रात तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश हुई और इसकी वजह से पटना के अलग अलग जगहों पर तबाही देखने को मिली है, जिससे आम लोगों के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी परेशानी हुई। दरअसल आपको बता दें कि देश रत्न मार्ग के पास एक विशाल पेड़ गिर जाने के कारण रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। ठीक उसी समय मुख्यमंत्री का काफिला भी वहां से गुजर रहा था, लेकिन रास्ता ब्लॉक होने की वजह से नीतीश कुमार को पैदल रास्ता क्रॉस करना पड़ा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम की टीम अभी तक मौके पर नहीं पहुंची, लेकिन वन विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी से यहां पर लगकर पेड़ को रास्ते से काटने के लिए और रास्ते से मतलब क्लियर करने में लगी हुई है। वहीं पर वनकर्मी ने यह भी बताया कि जब नीतीश कुमार यहां से गुजर रहे थे तो वहीं उस वक्त पेड़ गिरा हुआ था, जिसके कारण उनको पैदल ही रास्ता करना पड़ा। यानी कि यहीं से पैदल ही, ये वही रास्ता है जहां से पैदल मुख्यमंत्री सचिवालय का रुख करते हैं और यहां पर ये तस्वीरें आपके सामने, आंधी तूफान के कारण पेड़ गिर जाता है, मौके पर नीतीश कुमार पहुंचकर किस तरह से वहां पर इस पेड़ को हटवाने की बातचीत करते हैं वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और तुरंत ही यहां पर साफ सफाई की गई, वनकर्मी पहुंचे, वहां पर पेड़ को हटाया गया और रास्ते को क्लियर किया गया और इस कारण, इस पेड़ के गिरने के कारण जाम की व्यवस्थाएं तो थी ही, लेकिन अब पेड़ हटा दिया गया। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निकल रहे थे, लेकिन पेड़ गिरने के कारण वो क्रॉस नहीं कर पाए रोड और उसके बाद गाड़ी उनकी नहीं क्रॉस कर पाए, तो वो पैदल ही यहाँ से आगे बढ़े हैं। यहाँ पर कुछ जो कर्मी हैं वन विभाग के वो भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब से ये काम चल रहा है, ये कब से पेड़ का काम चल रहा है कटाई का। भाई हम लोग थे आगे, ड्यूटी में थे, हम लोग देखने के लिए आए हैं, आगे दो नंबर गेट पर थे। हाँ, कब गिरा कुछ जानकारी? हम लोग को पता नहीं है कब गिरा, ये सब हम लोग को पता नहीं। कर्मी हैं वो फिलहाल इस पेड़ को हटाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे समझ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो यहाँ पर कब आए और कब से इस पेड़ को हटाया जा रहा है यहाँ से। सर, कब से पेड़ को ये हटाया जा रहा है? सुबह से हटाया जा रहा है, सुबह से। तेज बारिश आंधी तूफान आया था उसमें गिरा है? हाँ, उसी में गिरा है। अच्छा, ये भी पता चला कि मुख्यमंत्री जी भी इस रोड से गए थे, तो ये पेड़ गिरा हुआ था, ब्लॉक था रोड। जी पैदल गए, वहाँ से मार्च करते हुए पैदल गए अपने सचिवालय। ब्लॉक था उस समय रोड, पूरा कर्मचारी लोग का भी पूरा लेट लतीफ हुआ इसी पेड़ के चलते। तस्वीरें आपके सामने है, वहां से पेड़ को हटा लिया गया है। पेड़ आपको बता दें कि कल देर रात आंधी तूफान के कारण ये गिर गया था, उसके बाद रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वहां पर मुख्यमंत्री जब सचिवालय का रुख करने के लिए जा ही रहे थे कि यहां पर वही रास्ता है और उसी रास्ते जब जाते हैं तो ये पेड़ वहां पर देख के उसके बाद उन्हें वहां से पैदल ही सचिवालय तक रास्ता तय करना पड़ता है। और बाद में जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, वहां से निर्देश देते हैं पेड़ को जल्द से जल्द हटवाने के और उसके बाद ये पेड़ वहां से हटवा लिया जाता है। और अब रुक करेंगे सौ शहर सौ खबर का।